हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेहतर होंगे आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है बच्चों और यहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्ययरोपण का सिद्धांत साथ में प्रकाश का व्यतीकरण व्यतीकरण में संपोषी व्यतीकरण और विनाशी व्यतीकरण दोनों चीज़ हम चर्चा करेंगे इसका जो थ्योरम है वो अगले पार्ट में आएगा तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत में तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि समझना होगा कि किस प्रकार से इसको हम समझ पाएंगे तो जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में मिलती हैं जब दो या दो या से अधिक तरंगे आपस में मिलती हैं तो उनका जो एक प्रकार से तरंग का निर्माण किस प्रकार से होता है वो चीज़ हम यहां पर देखने वाले हैं तो आजकल बच्चों नाइन्थ या टेंथ से तरंग के बारे में लोग पढ़ते हैं और सबको पता है कि जो तरंग होता है तरंग और गर्थ के रूप में चलता है सबको पता है जैसे मैं किसी तरंग की बात करूं तो तरंग यदि यहां से गति करना शुरू करता है बच्चों तो वह सृंग और गर्त के रूप में गति करता है सही है ये सृंग और गर्त के रूप में गति करता है ये तरंग है और ये सृंग के रूप में गति करता श्रंग और गर्त के रूप में श्रंग और गर्त किस प्रकार से निर्माण होता है जैसे आप एक रस्सी ले लो लंबी सी और एक किसी निश्चित स्थान से उसे बांधकर एक सिरे पर पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर नीचे करो तो जिस प्रकार से सर्प चलता है उसी प्रकार रस्सी का भी आकृति बनेगा तो एक भाग पर सुरंग मान लो एक भाग पर गर्त ऊपर वाले भाग को हम सुरंग मानकर चलते हैं नीचे वाले भाग को गर्त मानकर चलते हैं और इन्हीं सुरंग या गर्त की अधिकतम ऊंचाई या गहराई को आयाम कहते हैं क्या बोलते हैं आयाम कहते हैं तो कोई भी तरंग बच्चों सुरंग या गर्त के रूप में है सिंपल है तो मैं मान के चलता हूं एक तरंग कुछ इसका सरंग इस प्रकार से है दूसरा तरंग इसका कुछ रंग इस प्रकार से है और दोनों इस प्रकार से चल रहे हैं एक दूसरे के पास आने के लिए कोशिश कर रहे हैं जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो मिलने का भी कोशिश करेंगे भाई ये पास में आ गया इधर पहुंचा, दूसरा आया यहां पे पहुंचा, ठीक है मिलेगा और कुछ देर बाद ऐसा भी हो जाएगा कि एक दूसरे से ये मिल भी जाएंगे और जब मिल जाएंगे बच्चों तो दोनों का जो आयाम बढ़ जाएगा दोनों का आयाम कैसे बढ़ेगा फिलहाल मैं आपसे भी कहूँ कि कुछ इस प्रकार से कण हैं इधर से एक तरंग आया बोला इन कणों को हम खींच ऊपर ले जा रहे हैं इधर से भी एक कण आया बोला अब यहाँ तक तो कण पहुँचे मैं और खींचूँगा तो यहाँ तक ले जाएंगे कुल मिलाकर के जो इनके आयाम मान लो लगभग लगभग पाँच अंगेस्ट्रान है और इसका भी पाँच अंगेस्ट्रान है तो आयाम बढ़ करके दस अंग्राम हो गया मतलब इसका आयाम यदि मान लो ए वन है और इसका आयाम ए टू है तो दोनों को जोड़ देंगे लगभग इतना उसका विस्थापन हो जाएगा समझ रहे मतलब यहाँ से कण का विस्थापन बाई वन हो गया और यहाँ से कण का विस्थापन यहाँ पे बाई टू हो गया तो फिलहाल दोनों का जो इक्वल बाई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बाई वन प्लस बाई टू हो जाएगा मतलब बाई वन पहले तरंग ने और बाई टू दूसरे तरंग ने उस कण को खींचने की कोशिश की फलस्वरूप इस तरंग का भाई जो आयाम है वो बाई बराबर बाई वन प्लस बाई टू के बराबर है तो जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो सृंग को स्रंग से यदि मिलाओ तो थोड़ा सा और बढ़ेगा भाई साहब उसका आयाम और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो यहां पर हमने आपको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की कि दो तरंगे आ रही थी सृंग और सृंग आपस में मिलेंगी है ना सृंग और सृंग तो इसका जो आयाम थोड़ा सा मिल करके बड़ा बना लेगा इस प्रकार से जहां पे मिलेगा वहां पे बात कर रहा हूं और हो सकता है ये तरंग फिर आगे चला जाए बच्चों जैसे मैं कह रहा हूं इस इस तरह के इस तरंग और आगे चला जाए और इधर वाला जो तरंग आया इधर वाला तरंग आया तो सृंग के पास मिला फिर यहां पर गर्त पे मिला फिर सृंग के पास मिला और आगे चला गया या कि कुछ ऐसा भी तो हो सकता है एक ही दिशा में दो तरंगें चल रही हैं सृंग को सृंग पर और गर्त में गर्त पर मिल रही हैं समझ रहे हैं ना भाई साहब मैंने कहा कि एक तरंग इस प्रकार से चल रही है दूसरी तरंग भी चली सेम स्रंग के पास से होकर जा रही है गर्त के पास से होकर और जब आपस में मिलेंगी तो इनका जो विस्थापन है विस्थापन है दोनों के योग के बराबर हो जाएगा जैसे इसका मान लो बाई वन है और इसका बाई टू है तो इसके जो नए आयाम का निर्माण होगा तो कुछ इस प्रकार से यह फाइनल तरंग मिलेगा मिलने के बाद समझ रहे हैं तो अध्यारोपित होना मतलब एक दूसरे पर आरोपित हो जाना एक दूसरे से मिल जाना जिस प्रकार से केमिस्ट्री में पढ़ते हो अति व्यापन इलेक्ट्रॉन एक का दूसरे के जाकर के मिल जाता है अच्छा ये तरंग क्या है ये कण से ही तरंग का निर्माण होता है कण कर कंपन करते हैं तरंग का निर्माण हो जाता है किसी ने तो देखा नहीं कि बस ऐसे ये काल्पनिक चीजें ये तरंगों को हम काल्पनिक रूप से काल्पनिक रूप से मानते हैं प्रकाश किरणें आ रही है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को ट्रांसफर करते हुए हमारे यहां तक पहुंच रही है कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि रेखा ने तो हम उसको पकड़ लेते दिखता तो हम उसको पकड़ लेते कि बस भैया हम तुमको पकड़ लिए आगे नहीं जाने देंगे लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है कणों को और कणों को एनर्जी ट्रांसफर करता है सूर्य की प्रकाश किरणे हमारे यहां तक पहुंच जाती है तो वहां भी तरंगे चलती होंगी कहीं ना कहीं सुरंग और गर्त के रूप में मान के चलता हूं वहां पर भी कई तरंगे आपस में मिल रही होंगी समझ रहे ना तो ये तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो ये अध्यारोपण कहलाता है यानी दो तरंगों का आपस में मिलना दो तरंगों का आपस में मिलना अध्यारोपण कहलाता है चीजें क्लियर है और अध्यारोपण के सिद्धांत में यही कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम से चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी क्षण पर माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है कि प्रत्येक कण का कितना है विस्थापन उनका सदिश योग करेंगे तो परिणामी विस्थापन निकलकर आ जाएगा जैसे मैं मान के चलूं कि एक ही बिंदु से कई तरंगी चल रही हैं ठीक है एक ही बिंदु से जैसे यहां पर बिंदु है यहां पर बिंदु है जब ये हमारा यहां से तरंग स्टार्ट हुआ बच्चों फिलहाल यहां से तो यहां से चला तो कुछ इस प्रकार से पहला तरंग चल रहा है है ना दूसरा तरंग आया वो भी चलना शुरू किया कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है ना तीसरा भी आया वो भी चल रहा है कुछ इस प्रकार से उसी बिंदु से होकर जाता है ठीक है सबका विस्थापन अलग अलग है एक का विस्थापन बाय वन है दूसरे का विस्थापन बाय टू है तीसरे का विस्थापन बाय थ्री है और जब आपस में मिलेंगे तो ये तरंग कुछ इस प्रकार से आयाम बनाता हुआ आगे निकलेगा तो इसका जो कुल विस्थापन है कण का कुल विस्थापन है वो सदिश योग के बराबर होगा बाई वन प्लस बाई टू यदि तीसरा भी है तो बाई थ्री और कण है तो बाई एन तक जाएगा तो जाने दो लेकिन वहीं पे यदि विपरीत दिशा की बात कर लें बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एक हमारा तरंग ऊपर नीचे इस प्रकार से जा रहा था और जो दूसरा तरंग आया तो कुछ इस प्रकार से जाने लगा और इसका विस्थापन बाई वन था और इसका विस्थापन बाई टू है तो परिणामी विस्थापन बाई वन में बाई टू को घटा देंगे अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे परिणामी विस्थापन निकल कर आएगा समझ में आई बात कुछ कि भाई साहब एक तरंग का विस्थापन यदि बाई वन है दूसरे का बाई टू है तो टोटल जो बाई है वो बाई वन प्लस बाई टू के बराबर होगा वहीं पे एक तरंग का विस्थापन बाई वन है और इधर का बाई टू है तो जो परिणामी विस्थापन होगा बच्चों परिणामी विस्थापन तो बाई बन में बाई टू को क्या कर देंगे घटा देंगे और यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो या तो हो सकता है सृंग में सृंग मिल जाए या तो सृंग में गर्त मिल जाए तो जब स्रंग में सृंग मिलेगा तो सिंपल है विस्थापन बढ़ेगा जैसे मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझो एक का बाई वन है और यहाँ पर बाई टू है दोनों को जोड़ दो तो विस्थापन थोड़ा सा बढ़ जाएगा बाई वन प्लस बाई टू है कुछ इस प्रकार से समझे आप यहाँ पर मैं कहता हूँ ये बाई वन है मस्त है भैया और ये बाई टू है अब देखो ये विपरीत है तो परिणामी भी थोड़ा ही आएगा क्योंकि भैया बाई वन में बाई टू घटाएंगे तो कम आ जाएगा तो बाई बराबर बाई वन माइनस बाई टू हो जाएगा परिणाम विस्थापन इससे क्या निष्कर्ष निकला विस्थापन बढ़ा इससे क्या निष्कर्ष निकला विस्थापन घटा विनाश हुआ इसलिए विनाशी व्यतिकरण वहां हो जाएगा और जब समान हुआ बच्चों तो क्या हो जाएगा समपोषी हो जाएगा यही चीज तो है तो फिलहाल अध्यारोपण का सिद्धांत तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि जब दो या दो से अधिक तरंग किसी माध्यम से चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है मिलती है तो किसी क्षण पर माध्यम के परिणामी विस्थापन की बात करें तो प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा कण होगा यहां पर कण चल भैया मैं मान के चलता हूं कि ये कण है ये कण है कई है, सारे कण है।, है ना अब इस कण को इन जो जितने भी यहां पर कण है एनर्जी दी गई तो ये कंपन कर करने लग गए

फिर यहां पे कहीं ना कहीं एक ऐसा कण होगा जहां पे दोनों तरंग आपस में मिल रहे हैं। तो उस स्थिति में टोटल जो परिणामी विस्थापन है जितने तरंग उनके विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा ठीक है बच्चों अब इसी अध्यारोपण की घटना को समझने के लिए व्यतीकरण की आगे भाई निष्पत्ति व्यतीकरण के बारे में बताया गया कि भाई दो तरंगे आपस में मिल रही है दो से अधिक तरंगे मिल रही है और उनके आयाम और आवृत्ति क्या है समान है और एक ही दिशा में गमन कर रही हैं तो अध्यारोपण के कारण जो आयाम में परिवर्तन हो जाने से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाती है अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है अब एक चीज तो है अध्यारोपण में कोई भी तरंग हो आयाम समान हो भी सकता है आयाम समान नहीं हो सकता आवृत समान हो आवृत समान ना हो इसको ध्यान में नहीं रखा गया लेकिन अध्यरोपण से ही हम व्यतीकरण का अध्ययन कर रहे हैं एक प्रकार से अध्यारोपण का ही एक रूप है लेकिन भाई साहब इसके कुछ निश्चित निश्चित शर्त है शर्त क्या है बच्चों कि जैसे अध्यारोपण हो रहा है दो तरंगों के बीच तो उसे व्यतीकरण कब कहेंगे जब उसका आयाम बराबर हो आयाम समान हो दूसरा उसकी आवृत्ति समान हो तीसरा उसकी दिशा समान हो ये तीन चीज आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए ठीक है दोनों का कला संबद्ध जो एक प्रकार से जो कला है दोनों का वो समान होना चाहिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो यानी कलांतर समान हो बदले नहीं फिलहाल तीन तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि भाई तरंग आपस में टकरा रही हैं तो अध्यरोपण हो रही है एक तरंग इधर से आई एक तरंग इधर से आ गई तो मिल रही है तो ये भाई हमारा व्यतिकरण नहीं कहलाएगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है एक इधर से चल रहा था एक इधर से तो ये विपरीत है तो हमारा व्यतिकरण तभी कहलाएगा कि यदि इसकी दिशा ऐसी है तो दूसरी भी तरंग है उसकी भी दिशा ऐसी ही होनी चाहिए आयाम मतलब जितना इसका सरंग उतना इसका भी श्रंग हो आवृत्ति मतलब एक सेकेंड में जितने बार कंपन पहला तरंग कर रहा है उतना ही दूसरा तरंग भी कंपन करे आयाम बराबर हो अधिकतम श्रंग की ऊंचाई या अधिकतम गहराई ही आयाम कहलाता है तो व्यतीकरण के तीन ऐसे प्रमुख तथ्य हैं कि भाई साहब यदि यह इन तरंगों में लागू नहीं हो रहा है तो फिर व्यतीकरण नहीं होगा अधरों पर तो होगा अध्यारोपण का मतलब ही है कि दो तरंगों का आपस में मिलना लेकिन उसमें व्यतीकरण कब कहलाएगा जब बच्चों दोनों की जो दिशा है एक ही ओर चाहिए आयाम लगभग समान हो और बच्चों उसमें जो आवृत्ति वो भी समान होनी चाहिए तो जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन, गमन करती परिभाषा में वही चीज लिख दिया आयाम समान हो आवृत्ति समान हो और दो प्रकाश तरंग एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यरोपण के कारण आयाम में विवर्तन हो जाने से विवर्तन सही है क्या उनके अध्यारोपण के कारण परिवर्तन हो जाने से वही तो मैं कहा परिवर्तन परिवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्दू, बिंदु बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है इस परिघटना को प्रकाश का व्यतीकरण कहते हैं कहीं पे बच्चों सृंग सृंग से मिल गया गर्त गर्त से मिल गया तो बढ़ गया उसकी तीव्रता लेकिन यदि सृंग गर्त से मिल गया तो फिर तीव्रता में कमी आ जाती है मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था कि बाई वन और बाई टू ये बाई वन और बाई टू दोनों सृंग स्यूं सृंग से मिल रहा है तो विस्थापन परिणाम विस्थापन बढ़ गया लेकिन एक दूसरे के विपरीत है तो फिर परिणाम विस्थापन घट गया इस कारण से प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है बच्चों व्यतीकरण संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसे आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं पर प्रकाश की कुल तीव्रता प्रत्येक प्रकाश तरंग की तीव्रता के योगफल के बराबर होता है मतलब दो तरंग है जिनकी तीव्रता आई और आई है तो अधिकतम जो तीव्रता जहां पे होगी वो दोनों के योगफल के बराबर होगा जिस प्रकार से विस्थापन की बात की हमने न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं पर प्रकाश की कुल तीव्रता प्रत्येक प्रकाश तरंग की तीव्रता के अंतर से कम होगी कम होगी सिंपल है तीसरा नंबर है प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाति होता है यह बहुत जरूरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको आप सिद्ध करोगे व्यतिकरण के गणती विवेचन में मैं आगे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अगले लेक्चर में व्यतीकरण में प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए दो समान कला में नहीं है एक श्रंग गर्त से मिल रहा है और गर्त श्रंग से मिल रहा है तो फिर ऐसे में वहाँ पे जो तीव्रता है कम हो जाती है कहीं पे दो तरंगे श्रंग-श्रंग से मिल रही है गर्त गर्त से मिल रही है तो वहां पर उसका विस्थापन ज़्यादा हो गया उसकी तीव्रता भी अधिक होगी व्यतिकरण अनुदैध और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों में होता है ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर एक प्रकार की तरंग हो प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित प्रयोग सर्वप्रथम टामस यंग ने अठारह में किया था यह चीज जरूरी था जानना जरूरी था ये जाने ही रहो भाई साहब ये कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पर हमको दो चीजें आपको पढ़ना ही है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण अभी फिलहाल अभी यहाँ पे परिभाषा समझ लो जब बच्चों व्यतीकरण की विवेचना हम कराएंगे गणति व्याख्या कराएंगे उसके बाद हम इसका डिफरेंस अलग तरीके से समझाएंगे लेकिन फिलहाल अभी जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतीकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो इस प्रकाश के व्यतीकरण को संपोषी व्यतीकरण कहते हैं मतलब इस स्थिति में दोनों तरंग समान कला में मिलती है यानी दोनों तरंगों के सृंग सृंग के साथ ही मिलेगा और गर्त गर्त के साथ मिलेगा तो विस्थापन ज्यादा होगा मैंने पहले ही बताया था बहुत ही सिंपल है बच्चों यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यहाँ पे विस्थापन ये बाई को दर्शाएगा ये गति है तो सभी तरंगों का सृंग सृंग के साथ और गर्त गर्त के साथ है देख सकते हो आप तीन तरंगे चल रही है के समय के साथ ही चल रही है बच्चों ये हमारा प्राथमिक तरंग मान सकते हैं इसको द्वितीय तरंग तर, तीन तर, थ, तर, तरंग है तो इसको हम प्रथम इसको तो मानते हैं फिर द्वितीय तृतीय तरंग तीन तरंगे चल रही है सृंग सृंग से मिल जाए गर्त गर्त से मिल जाए तो फिर ये कौन सा व्यतिकरण हो गया संपोषी व्यतिकरण है लेकिन उसके विपरीत यदि विनाशी व्यतिकरण में कि भाई साहब तीव्रता न्यूनतम हो जब प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं अधिरोपित होती हैं व्यतिकरण होता है आयाम भी समान है आवृत्ति भी समान है लेकिन मिलने का ढंग अलग है श्रंग गर्त से मिल रहा इसका श्रंग ये पहला प्रकाश है समझ रहे हो ना प्रथम तरंग है ये गर्त है तो इसका जो श्रंग है देख सकते हो दूसरे के गर्त से मिल रहा है दूसरे का सरंग पहले के गर्त से मिल रहा है एक दूसरे के व्युतक्रम है दो रंगों को समझने के लिए दो कलर से हम बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा एक हमारा कुछ इस प्रकार से चल रहा था दूसरा जो तरंग आया बच्चों कुछ इस प्रकार से चलने लग गया तो पहले का सरंग दूसरे के गर्त से दूसरे का सरंग पहले के गर्त से तो इस स्थिति में तीव्रता न्यूनतम होगी क्योंकि विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो ये विनाशी व्यतिकरण है कि जब दो तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो इस प्रकाश इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं और यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं पहली तरंग का श्रम दूसरी तरंग के गर्त से मिलेगी तो ये बच्चों हमारा विनाशी व्यतिकरण होगा तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा और बच्चों डीपली समझने के लिए अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि व्यतिकरण का गणति विवेचना हमको सीखना है भले ही समय लगेगा लेकिन बेहतर रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करेगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों जय हिंद बंदे मातरम यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स ऐसे ही प्राप्त करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर छियानवे पचासी उनतीस इक्यानबे उनचास छियानवे पचासी उनतीस उनचास इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके बच्चों जय हिंद बंदे मातरम